तो दोस्तों ये है आपका X96 मिनी जो अभी हमने ऑर्डर करा है अमेजोन से, ये पार्सल हमारे पास में आ गया है। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के इसकी अनबॉक्सिंग शुरू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसको अभी फ़िलहाल इसके बॉक्स से निकाल दिया है जो रैपर में आया था, उसके अलावा इसके ऊपर जस्ट बबल रैप था और बबल रैप के नीचे कुछ भी नहीं था। तो आइए दोस्तों इसका बबल रैप हटा देते हैं और आज हमारे साथ में अनबॉक्सिंग कर रही हैं मिस पूछी, तो ये भी आज हमारे साथ में अनबॉक्सिंग कर रही हैं X96 मिनी की। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम इसका बबल रैप हटा लेते हैं। फिर ये है बॉक्स जैसा ही आता है X96 मिनी, इस पे टॉप पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है स्मार्ट टीवी बॉक्स, पीछे आपको दे रखा है मेड इन चाइना, उसके अलावा जो भी कुछ दे रखा है वो सब के क्या क्या चीज़ें फीचर्स हैं हमारे को सबको पता है। इसके अंदर वाईफाई है, लैन है, 4K वीडियोज ये प्ले कर सकता है जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस टाइप के स्मार्ट सेटअप बॉक्स के लिए। तो आइए दोस्तों इसको पहले हम ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से आता है X96 मिनी, ये रहा आपका एक्चुअल सेटअप बॉक्स, जितना मैंने सोचा था बहुत छोटा है। ये देखिए ये बहुत छोटा सा सेटअप बॉक्स है, इनफैक्ट इसको मैं सेटअप बॉक्स भी नहीं बोलूँगा, जितना बड़ा आपका अमेजोन का इको होता है इको डॉट ये उतना ही बड़ा है अप्रॉक्सीमेटली, आप वॉल पे भी टांग सकते हो। इनफैक्ट साइड पे बात करते हैं, ये मिल जाता है आपको USB पोर्ट 2 और ये मिल जाता है आपको इसका माइक्रो SD कार्ड, बैक पे मिल जाता है ईथरनेट पोर्ट, 5 वोल्ट का इसका पावर अडेप्टर लगाने की जगह, HD पोर्ट, AV पोर्ट, IR पोर्ट मेरे को नहीं पता क्या होता है, और फ्रंट से मतलब ज़्यादा कुछ बताने को इसमें है नहीं, इसको जब हम प्ले करेंगे तब हमें पता लगेगा, और प्ले ये नॉर्मल एंड्रॉयड बॉक्स की तरह ही होगा। तो आइए दोस्तों इसके और भी कंटेंट्स देखते हैं और क्या है इसमें। तो यहाँ पे रखा हुआ है इसका रिमोट, ये बहुत ही बेसिक रिमोट है, सब HD बॉक्सेस के साथ में इसी तरीके का रिमोट आता है, कोई ज़्यादा फीचर्स तो होते नहीं है, बट ये बहुत बेसिक एक्चुअली जो ये बॉक्स है ये बहुत बेसिक सेटअप बॉक्स है। इसके अंदर आपकी 2 GB रैम और 16 GB की हार्ड डिस्क है इस वाले बॉक्स के अंदर, तो उसके बेसिस पे ये मेरे को पड़ा है 3500 रुपीज़ का, और अगर यही चीज़ हम चाइना से डायरेक्टली ऑर्डर करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 2200 रुपये के आसपास मिल जाती है, बट मैंने अमेजोन से इसलिए ऑर्डर करा है क्योंकि उनकी शिपिंग थोड़ी जल्दी आ जाती है, अगर आप इसे चाइना से ऑर्डर करते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और देखते हैं इसके अंदर क्या है, ये है HDMI केबल एक आपको दे रखी है, और ये है इसका पावर अडेप्टर, और ये इसके साथ में आपको कुछ मिलता है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ये तो हम इंस्टॉलेशन तो हम इतना कर ही सकते हैं और कोई भी कर सकता है, इनफैक्ट ये यूज़र मैनुअल्स की आजकल इन चीज़ों में ज़रूरत होती नहीं है। तो आइए दोस्तों इसको हम फटाफट से प्लग इन करते हैं और फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या खराबी। आप देख सकते हैं हमने ये सेटअप बॉक्स को कर लिया है प्लग इन, और प्लग इन करने के बाद में जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं, मैं आपको इसकी पावर ऑन स्क्रीन दिखाता हूँ, एक बार मैं इसको बंद करके आपके सामने फिर से ऑन करता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये इस तरीके से ऑन होता है X96 मिनी, काफ़ी अच्छा इसका जो ग्राफिकल इंटरफेस आता है स्टार्टिंग के अंदर वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए। ये देखिए दोस्तों कोई साउंड नहीं आता इसमें, बस ये थोड़ा सा ग्राफिकल आता है X96 मिनी का। तो दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं ये हो गया है बूट, इसके साथ में जैसा आपका एक एंड्रॉयड फ़ोन होता है टिपिकल ये वैसा ही है। इसके अंदर हमने यहाँ से सेटिंग्स में से जाके हमने नेटवर्क में इसका वाईफाई कनेक्ट कर दिया है जो कि हमारे वाईफाई से कनेक्टेड है। इसके अलावा साउंड का इसमें ऑप्शन मिल जाता है, ऐप्स, स्क्रीन सेवर, स्टोरेज एंड रीसेट, अबाउट। तो ये वाला जो मॉडल है दोस्तों ये आता है 2 GB और 16 GB हार्ड डिस्क और 2 GB रैम के साथ में, और इसके साथ में बेसिकली जो भी सारे ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस हैं आपके नॉर्मल जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में होते हैं। इसके अंदर मैंने अपना गूगल अकाउंट ऑलरेडी सिंक्रोनाइज कर दिया है। इसके अलावा इसके अंदर आपको बहुत सारी ऐप्स भी मिल जाती हैं जो कि प्री इंस्टॉल्ड होती हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, मॉबड्रो, स्काइप और भी बहुत सारी ऐप हैं। आप इसमें गूगल प्ले स्टोर से अपने आप से भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो ऐप आपको मिलती है वो मिलती है वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए यूट्यूब, उसके बाद में इसके अंदर एक ब्राउज़र भी है जिसमें आप इंटरनेट ब्राउज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा जब आप इसमें इंटरनेट ब्राउज़ करेंगे तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ये, आपको मैन्युअली इसमें टाइपिंग करना पड़ता है। आप इसमें अपना कीबोर्ड भी अटैच कर सकते हैं वाया USB, तो उससे आप इसमें टाइपिंग भी कर सकते हैं। आप इसमें चाहें तो अपना मैनुअल माउस भी अटैच कर सकते हैं, जैसे HP का एक सिंगल USB माउस और कीबोर्ड आता है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर हम वीडियोज़ में जाते हैं तो यहाँ पर हम यूट्यूब खोल लेते हैं,
तो इसके अंदर कुछ इस तरीके का आपको YouTube का इंटरफेस मिलता है, जिसके अंदर आपके पास ये अलग अलग तरीके से आप यहाँ से इसमें वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। आप इसमें कुछ भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे यप टीवी का ऐप आप इसमें डाल सकते हैं, नेटफ्लिक्स इसमें ऑलरेडी है, अमेजोन प्राइम डाल सकते हैं। तो उस हिसाब से ये बहुत ही बेहतर है। फेसबुक का ऑप्शन आपको इसमें मिलता है। तो दोस्तों इसमें ओवरऑल बहुत सारे ऑप्शन हैं और ये टिपिकल एक तरीके से, बस आप ये सोचिए आपने एक बड़ा मोबाइल ले लिया है, आपका जो पूरा टीवी का स्क्रीन है वो आपका मोबाइल बन चुका है। तो दोस्तों इस रिव्यू में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में एक रिव्यू बना के दे दूंगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक